नमस्कार किसान भाइयों, कृषि भाई खेती समाचार में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कृतिक और चलिए जान लेते हैं क्या रही आज की हेडलाइंस। 3 लाख से अधिक किसानों ने एमएसपी पर बेची धान। सरकार ने बढ़ाए खाद के दाम, किसान परेशान। कृषि उपकरणों की होगी होम डिलीवरी, सीधे किसानों के घर पहुंचेंगे यंत्र। 1,000 रुपए अनुदान दे रही सरकार, लाखों किसानों के बिजली बिल हुए शून्य। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश में अब तक 3 लाख से अधिक किसानों से करीब 22 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। इसके बदले किसानों को करीब 4,000 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया है। अधिक से अधिक किसानों से फसल खरीदने के लिए प्रदेश में इस वर्ष अधिक खरीद केंद्र बनाए गए हैं। 73 जिलों में 4,475 केंद्रों पर धान की खरीद की जा रही है। सरकार ने खाद और उर्वरक की कीमतें बढ़ा दी हैं, इससे हिमाचल प्रदेश के लाखों किसान परेशानी में आ गए हैं। खाद की कीमतों में 170 से 885 रुपए तक की वृद्धि हुई है। इसके चलते किसानों को अब फसल तैयार करने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। कीमतें बढ़ने से किसान काफी परेशान हैं। किसान सरकार से दाम कम करने की मांग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अब सब्सिडी पर कृषि उपकरणों की होम डिलीवरी की जाएगी। एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन किसानों को घर तक कृषि उपकरण पहुंचाएगी। इसके लिए स्वयं सहायता समूह को भी सब डीलर बनाया जाएगा। किसान सब डीलर के माध्यम से भी उपकरण खरीद सकेंगे। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना चला रही है। इसके तहत किसानों को बिजली के बिल पर 1,000 रुपये प्रति माह अनुदान दिया जा रहा है। इस तरह एक किसान को बिजली बिल पर सालाना 12,000 रुपये का अनुदान मिल रहा है। प्रदेश के 8,84,000 से अधिक किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं। अनुदान के बाद 3,41,000 से अधिक किसानों के बिजली बिल शून्य हो गए हैं। योजना का लाभ लेने के लिए नजदीकी विद्युत विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि भाई खेती समाचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।